सर है कि नीचे से टीम एक्स पाक की एंट्री, उनके जस्ट ऊपर से ब्लाइंड के प्लेयर्स की एंट्री एंड गेल टेक्स डाउन वन फ्रॉम ब्लाइंड। ये फाइट भी देखने वाली होगी। बिल्कुल, पिछले मैच में भी हमने देखा था कि टीम एक्स पाक ने ही टीम ब्लाइंड को एलिमिनेट किया था। क्या एक बार फिर से हमें वही चीज देखने को मिलेगी? बिकॉज अभी के लिए बॉबी जो है वो आगे की तरफ हमें देखने को मिल जाएंगे। क्या बढ़िया उनके साइड से हमें स्प्रेयर जाते हुए नजर आए, एक नॉक यहाँ पर जरूर से निकाले। और ये जो ग्रेनेड है, वेल हमें पता है कि स्किल्स वाइज मवी को यहाँ पर रोक पाना काफी मुश्किल, बिकॉज द मैन विद द गोल्डन हैंड इनको बोला जाता है। स्काउट वहां पर डीएमआर एक्शन में हमें देखने को मिल जाएंगे। टीम ब्लाइंड टोटली अभी के लिए बैकफुट पर देखने को मिल रही है। टीम एक्स पाक नाउ नीड्स टू पुश एंड स्लैम इन जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। अल्ट्रॉन आगे की तरफ आएंगे, टीम ब्लाइंड को हर तरफ से बैकफुट पर छोड़ा, एकमात्र खिलाड़ी बचेंगे विलियम्स, बट अगेन लेट्स सी कितनी देर तक। इनफैक्ट एक और खिलाड़ी वहां पर बचेंगे, बियर्ड बाबा जो कि व्हीकल लेकर के शायद यहां से जाने की कोशिश करें। विलियम्स की पोजीशन अभी भी नहीं पता है, मवी को एक सरप्राइज एंट्री देने के लिए मवी ने स्पॉट जरूर से किया, क्लोज रेंज कॉम्बैट बीस्ट हम इनको इसीलिए बोलते हैं, एंड ब्लाइंड विलियम्स भी डाउन हो जाएंगे। मावी को सही मौके पर गिल का कवर मिल गया, गिल ने बहुत बेहतरीन तरीके से वो नॉक निकाला है और अब आखिरी प्लेयर ब्लाइंड के यहां पर बचे हैं। विल हैव टू लुक थ्रू आउट द एरिया, डेयर डेविल बनना पड़ेगा इस प्लेयर को। बियर्ड बाबा किस तरीके से फाइट निकाल के जोन से बाहर है, जोन के दूर है टीम एक्स पाक, दे आर रोरिंग अराउंड द एरियाज ऑफ चुमस। लेकिन मीनवाइल वैम्पायर जोन की साइड से स्प्रे जाएगा, गोकुल को डाउन किया जाएगा। टीम एमटीजी थोड़ा बैकफुट पर जरूर से हमें नजर आ रही है। गिल विद दैट ग्रेनेड, कैन दैट मेक अ कनेक्शन, वो देखने वाली बात रहेगी। ग्रेनेड जाने से पहले ही वहां पर मवी जो है वो नॉकआउट एक निकालेंगे। एलेक्स जो है वो टीम एमटीजीजी से अब एक सोलो मैन स्टैंडिंग बचेंगे और इसके साथ टीम एक्स पाक जो है वो चौथा फिनिश अपने खाते में लेकर के जाएंगे। सही, लेकिन ओशन मात्र 5 सेकंड। स्काउट, स्काउट के बिल्कुल सामने प्लेयर है, स्काउट ने देखा था एलेक्स वहां पर उनको नॉक करते हुए नजर आएंगे एंड इंस्टेंटली फिनिश पे शायद करना चाहिए। टीम एक्स पाक को अपना प्लेयर पीछे छोड़ना पड़ सकता है बिकॉज़ जोन में जाना प्रायोरिटी है। पांचवा जोन 100% जस्ट लाइक यू सेड पांचवा सर्कल आ चुका है, बट नो दे वांट टू सर्वाइव, दे वांट टू विन टुगेदर। ऊपर जाएंगे, यहां पर अल्ट्रॉन प्लेयर को पिक करने की उनकी कोशिश, दे फिनिश इट ऑल आउट बट स्काउट इज ब्लीडिंग, जोन भी बाहर है, उनको उस प्लेयर को बचाना है और सीधा आगे जाना है। Trying to do everything in their power to let that man get on his feet and move inside that one zone. मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल होगा नहीं क्योंकि revival मिल चुका है और zone पीछे से मावी आ चुके हैं। बाबा टुंडे की HP low है, Bumla boy 75% HP पर survive कर रहे हैं, but मावी doesn't care. He spots one, shots one, takes one down. अगले प्लेयर को यहाँ पर scout down करेंगे। ये दोनों players गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। X Spark is not a spark anymore. They are lightning. यहाँ पर Ultron भी नजर आ रहे हैं, 25 गोलियां हैं उनके पास, might as well go for the fight. But scout is going for the fight. उनको यहाँ पर ओके अपने आप को हील उन्होंने जरूर से करा और वापस से दो प्लेयर वहां पर देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या ये कनेक्शन बना पाएगा वो एक देखने वाली बात। मवी के काफी करीब वो जाएगा जरूर, मवी डाउन हो जाएंगे। स्काउट इज नाउ द ओनली मैन स्टैंडिंग, रिवाइव वहां पर देना बहुत मुश्किल, बट द गुड न्यूज इज की जोन के अंदर जरूर से वो हमें देखने को मिल रहा है। क्या रिवाइव करने के लिए जाएंगे? बट स्काउट आगे भाग रहा है, स्काउट आगे जा रहा है, ललकार आ चुकी है, अल्ट्रॉन देयर एज वेल, बट जोन में अभी भी एंट्री नहीं। पीछे बियर्ड बाबा, बियर्ड बाबा इज बिहाइंड देम, बियर्ड बाबा इज बिहाइंड देम, ही कैन स्पॉट देम, ही कैन डेफिनेटली टेक देम डाउन। क्या किसी ने उनको स्पॉट किया क्योंकि वो अभी भी पीछे के ही एरिया पर है। ही कैन मेक अ ब्लंडर आउट ऑफ दिस प्ले। Exactly, वहाँ पर टीम एक्स पाक की मुश्किलें वो जरूर से बढ़ा सकते हैं। स्काउट वहाँ पर मौजूद है, अल्ट्रॉन को फाइनली शायद उन्होंने स्पॉट किया है, लेकिन वहाँ पर उनको फिनिश ऑफ करेंगे। स्काउट के लिए 1v1, लेकिन यहाँ पर बियर्ड बाबा फाइनली बाइट करते हुए एंड टीम एक्स पाक का एलिमिनेशन। टीम एक्सटर्मिनेटर्स अभी भी रोर करेंगे, प्रबल दावेदार इस मैच में विनर, विनर चिकन डिनर निकालने के।